जा पहुंचा हूं तो इसका कारण यही है। इतनी रात को कौन हो सकता है भला? लोगों को टाइम वाइम का भी ख्याल नहीं है। दीदी तो ए, पानी को तुम पैदा करते हो या तुम्हारा बाप पैदा करता है? हा? अच्छा ओहो, टीवी में इतना बिजी हो कि पानी पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है साहब। टैंक फुल होने के बाद में तुम्हें ऑफ करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता? तुम अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करते रहोगे तो 10 दिन का पानी 1 दिन में खत्म हो जाएगा। लोगों के पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, बेचारे हंडा पकड़कर सड़कों पे घूम रहे हैं, गली गली पानी ढूंढ रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा तो कल से क्या करोगे? ठीक है बेटी, सिर्फ अपने घर का नहीं पड़ोसी के घर का भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और किसी के घर में भी पानी वेस्ट हो रहा है ये उन्हें बताना होगा। कल से पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से, बंद करो मोटर। अरे यार, जहाँ हम लोग रोज कचरा फेंकने जाते हैं ना, फेंक रहा था तो एक लड़की के ऊपर जाकर गिर गया। अरे यार इतनी सी बात का टेंशन क्यों ले रहा है, रुक मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। कौन था वो? कचरा किसने फेंका? जवाब दो, किसने फेंका कचरा, बोलो। क्या मैडम, डब्बे में फेंकने वाला कचरा गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया तो तुम मारने आ गई? तुझे तो मैं बताती हूँ, कचरा फेंकेगा फेंकेगा कचरा। हेलो हेलो, तुम लड़की हो इसलिए हम लोग चुप हैं, नहीं तो हम लोग भी तुम्हें तू क्यों बीच में आया? क्यों आया बीच में? तुझे बताती हूँ मैं। हाँ ए, सच सच बताओ, तुमने जानबूझकर मुझ पर कचरा फेंका ना या गलती से फेंका? हाँ मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोग एजुकेटेड होते हुए खाली रोड पर कचरा फेंकते हो। ऐसा करोगे तो सोसाइटी कैसे साफ सुथरी रहेगी? हाँ लोग सिर्फ अपना घर और अपने घर के सामने की जगह साफ रखे तो ही बड़ा उपकार होगा, समझे? ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, इसके बाद तुम लोगों ने कचरा फेंका ना तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगी। अच्छा, इतना अच्छा कैरेक्टर है कि क्या बताऊं? लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज आएगा सर, क्लाइमेक्स तो इससे भी ज्यादा भयंकर रहेगा। सर ये जो फिल्म है पूरी की पूरी हीरोइन के ऊपर है सर, इस पूरी फिल्म की कहानी की हीरोइन सिर्फ आपकी बेटी ही रहेगी सर, फिल्म तो 100% हिट होनी है सर। सर आपकी बेटी की लाइफ बन जाएगी सर। देख भाई, मेरी बेटी सिनेमा में काम नहीं करेगी ये तुझे बताने के बावजूद तू फोर्स करके कहानी बनाकर सुना रहा है। चल बता तेरा नाम क्या है? डायरेक्टर। तुम्हारा असली नाम क्या है? भूतों का राजा भोजराज। फिल्म का डायरेक्टर बनना ये सोचकर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। हाँ। सपनों का राजा। ओह, तुमने और एक बार तुमने मेरी बेटी को फिल्म में काम करने के लिए कहा ना तो एक दूंगा। फिर भी अगर मेरी बेटी की इच्छा भी हुई तो। इच्छा हुई तो? हे, कॉलेज के सामने आपको डाटा उतना काफी नहीं था? सुबह सुबह घर आकर मेरे डैडी की जान खा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। क्या है मैडम, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, प्लीज मान जाइए ना मैडम। ए, बाहर निकल अब। बेटी जरा ठीक से बात करो। नहीं ना? पापा आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसे हाथ पकड़ाएंगे ना तो ये गर्दन पकड़ लेगा। ए, निकल बाहर। क्या क्या मैडम, जा रहा हूँ, लेकिन मेरे फिल्म की हीरोइन आप ही रहेंगी, ये बात तो फिक्स है। तुम्हें ये गन चक्कर कहाँ मिल गया? हेलो पुलिस स्टेशन। ये क्या है समर्थ? सर अगर मैं बताऊंगा तो
यस कम इन प्लीज. थैंक यू सर. टेल मी समर्थ. कुछ नहीं सर, 15 दिनों से मैं आपकी राह देख रहा हूं. पता नहीं क्यों आप ऑफ माइंड रहते हो. इतनी सारी तकलीफ आप सहन करते हो लेकिन आपके चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं दिखाई देता. कॉलेज का रखवाला ही अगर ऐसे हो जाएगा तो कैसे होगा सर. पर्सनल है तो पर्सनली बात करेंगे. कॉलेज के बारे में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ. समर्थ कुछ पर्सनल बात है. ओके सर. भाई ठीक है भाई. ए अमाउंट लेकर एग्रीमेंट पर साइन कर. हमारे कॉलेज के अपोजिट की जगह आप लेने वाले हो. अगर ऐसा मेंशन किया तो हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो जाएगी और उसके अलावा आपको परमिशन नहीं मिलेगी. वो सब मैं देख लूंगा. 15 दिनों से तू एक ही डायलॉग मार रहा है. ऐसा सही नहीं है. देख प्रिंसिपल, बिना बैकग्राउंड के बड़ा आदमी हुआ हूँ मैं. मैंने किसी को कीमत नहीं दिया है. फर्स्ट टाइम पैसे देकर बोल रहा हूँ. चुपचाप साइन कर. मैं किसी भी कीमत पर साइन नहीं करूंगा. ए उठा ले से. जी. ए चल ना, भाई बुला रहे हैं. चल चल. कौन है तुम लोग? ए हमारे लड़कों के ऊपर हाथ उठा दिए तू. मुझ पर हाथ उठा दिए तेरी तो. ए पकड़ उसको. ए पकड़ उसको. चल जा. अरे भाग रे. हट पे. भाग जा. पकड़ उसको. ए रुक. ए रुक तेरी तो. कॉलेज के गेट से गाड़ी भी उठा के नहीं ले जाने देंगे हम लोग तो खाली साइड को छोड़ देंगे क्या? एक लड़की का सहारा लेकर खेल खेलने वाला तू खुद को मर्द समझता है? अच्छा बुरा, पाप पुण्य मान मर्यादा ये सब कुछ मैं नहीं जानता. समझा तू? मेरे जैसे गुंडे को कौन लड़का है कौन लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता. हम जैसे मर्दों को सिर्फ लड़ना आता है. समझा क्या?
सर, आपसे साइन कराने के लिए परिसर का रेप करने की कोशिश की इन लोगों ने, इसीलिए मैंने ये सब किया। आप क्यों डर रहे हैं सर? हमारे समझ सर ने मेरी इज्जत के साथ साथ इस कॉलेज के भविष्य को भी बचा लिया है। डोंट वरी सर, हमारे कॉलेज को कोई दाग लगे ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। चलिए सब लोग अपने अपने क्लासरूम में चले जाइए। समर्थ, आप भी स्टाफ रूम में जाइए। राजू, yes, sir. बालू, इन सबको लात मार कर अंदर डालो। yes, sir. सर, ये सब कैसे हुआ? धन जायदाद को बेच के डोनेशन लेने वाले बहुत से कॉलेज है सर, और उसमें डोनेशन के नाम पर स्टूडेंट्स को तकलीफ दिए बिना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये इतना अच्छा कॉलेज है सर, ऐसे कॉलेजों की हमें और जरूरत है। आप टेंशन मत लीजिए, उनके दिए हुए 10 लाख रुपयों से आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं और जितने का भला हो सकता है करो। मेरी तो यही इच्छा है, बुरे से कुछ अच्छा हो तो ठीक और अच्छेपन से भी अच्छा ही होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। आप टेंशन मत लो, इन कमीनों को अंदर डाल के ऐसा पीसूंगा कि सही से ABCD आ जाएगी, उसके बाद उनको कॉलेज में भेजूंगा। कॉलेज में अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो एक फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। वाओ, तो ये एक लड़की को कल मैंने सपने में देखा, वो रात को मेरे साथ घूमने गई, फिर हम लोगों ने सिनेमा देखा। अबे काले बैंगन, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? चुपचाप सो जाना। फिर तो कोने में गए हम लोग, मारे मजा आ गया। ए, घोंचू कहीं का, हट। अरे बहुत दिनों के बाद मौका मिला मुझको, मजा साइड में जा बे, साइड में जा, मजा आ गया। अबे वहाँ क्या कर रहा है? कैमरे के सामने आ जाता है जिसकी वजह से डायरेक्टर की गाली हमें पड़ती है। साइड में जा बे। कौन है? कौन था वहाँ? कौन है? कान के नीचे बजाऊंगा। पैकअप हो गया क्या? पैकअप हो गया? शूटिंग पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पागल, क्या बोल रहा है? मैं तेरा डायरेक्टर हूँ बे। ए, सपने से उठकर असलियत में आ जा। ऐसा क्या? तू ही मेरी सब कुछ है। अब ये घोंचू शुरू हो गया। अबे घुमा फिरा के चेहरे पे ही मारता है ये। अब तुझे क्या हुआ? उठकर काम करने के लिए बोल रहा था तो नींद में सोते हुए सपने देख रहा है। मोस्टली सारे काम तुम लोग सपने में ही करते होंगे। ए, जरा इस काले बैंगन को देख, सपने में ही बहुत भयंकर एक्शन कर रहा है। सर, अभी मैं सपने में उठ गया ना सर, बताइए ना आप क्या करना है? तो कुछ मत करना, परिसरा के ऊपर मैंने एक सॉन्ग लिखा है। घोंचू कहीं का, वो सब जाने दे, सॉन्ग कैसा था? ए, मेरे सॉन्ग को डब्बा बोलता है क्या? तेरी तो अरे क्या है ये, किस तरह की बदबू आ रही है, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? ए, क्या कहा तूने? ये क्या तेरी जगह है जो तू इस तरह से बोल रहा है मुझसे, जैसे कि तू अपने पास रखने वाला या बेचने वाला है? ए, किससे अकड़ रही है तू? हाँ, क्यों जी, तुझे लगा मैं तुझसे डर जाऊंगी क्या? तेरा सारा खेल ना मेरे हाथों में है, जरा उधर देख। ए, ये क्या किया तुमने? ये नहीं पता क्या? अरे उसने बताया तो था, मैं भूल गया। अरे तू ही बता ना। ए, तू कहाँ का राजा है? बोलना कहाँ का राजा है, बोलना। हाँ, एकदम सही बोला। हाँ, ये कचरा यहाँ पर क्यों फेंका? ओ, ये कचरा है, तुझे अब पता चला? ये मुझसे पूछने की बजाय उनसे जाके पूछ, चल रे। हाँ,
क्या है ये? सारा कचरा लाकर मेरे घर के सामने फेंक रहे हो? बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? रुक जाइए, ज्यादा बोलिए मत। यहाँ पर कचरा लाकर फेंकना बंद कर दीजिए, गांव बगल में ही इसलिए बदबू आती है। हवा की वजह से सारा कचरा घर में घुस जाता है, जिस वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा बहुत सालों से हम लोग अर्जी देते आ रहे हैं, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। कचरा वापस ला ला कर यहीं पर फेंक रहे हो, और अभी आपके घर के सामने फेंका हुआ कचरा आधे घंटे तक भी आप सह नहीं पा रहे हो ना? तो सोचिए इतने सालों से हमने कितनी तकलीफ उठाई होगी। तुम सब झोपड़पट्टी के हो, लो क्लास वाले हो, कचरे के साथ ही रहने की आदत है तुम्हें। लो क्लास हम लोग नहीं, तुम लोग हो। हम लोग अभी तक गुस्से में नहीं आए हैं, तुम लोग भी गुस्सा मत दिखाओ। तुम लोगों की वजह से हम नहीं, हम लोगों की वजह से तुम हो। चुपचाप इन लोगों को सॉरी बोल के ये सब साइड में डलवा दो, सब ठीक हो जाएगा। इन भिखारियों से झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। गिफ्ट सामान देने वाले लोग इस तरफ आइए। हाँ। अरे इसमें क्या है? लगता है खाली डब्बा है। ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, ये मंडप जितने का बना है, उतना भी आ गया तो काफी है यार, क्या करूं मैं। हाँ। अरे तो इस चीज को यहीं ओपन कर रही है। खाली है ये? अरे निकल यहाँ से, सारे के सारे फोकट में खाने आ जाते हैं। ऊपर से दिखने में बड़े लोग लगते हैं, खाली लिफाफा देके गया है। ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा यार? खाली लगता है ये भी। हाँ अब तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। हाँ एक मिनट आई। कितने रुपए दे रहे हो? 100 रुपए। अरे इतने कम क्यों दे रहे हो, थोड़े ज्यादा रुपए दो ना। हेलो हेलो, ये लो। इसमें तो कम से कम 1000 रुपए होंगे। हमारे एरिया के MLA साहब दानवीर सूरकरण हैं, गरीबों के देवता हैं ये। गरीबों की सेवा को जनार्दन की सेवा है ये सोचकर अपने दिल में रखा हुआ है इन्होंने। हम सबके जाने माने अशोक चक्रवर्ती जी ने मेरी बहन की शादी में 100 रुपए दिए हैं। देखो ये तो सबके नाम का अनाउंसमेंट कर रही है, अगर कम पैसे दिए ना तो बदनामी हो जाएगी। थोड़े और डाल दो इसमें। अरे डालो ना जल्दी से। तूने कितना रखा है? बेटी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, 100 की जगह 500 रख देता हूँ। माइक पे बात करने के बाद तो लोगों में दिमाग आ गया है। खाने खा के जाना। ओ भगवान कितना पैसा आ गया आज। अरे रे रे पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा पैसा। अरे पत्तल उठाने का काम छोड़ करके ये क्या कर रही है तू? ए खाने के पत्ते को उठाने के लिए 2000 नहीं ले सकता? यहाँ कैसी बातें कर रहा है, चल निकल यहाँ से। पागल हो गई है। ए क्या बकवास कर रही है तू? दीदी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सब ने शादी में 100-100 रुपए ही दिए हैं, ऐसा बोल रहे थे। अगर मैंने ये शादी करवाई होती ना तो पैसे कैसे वसूलती मैं? उस चीज का सपना देख रही थी। ए मुंह तोड़ दूंगी तेरा, मालिक के साथ झगड़ा कर रही थी तू। जल्दी काम खत्म कर, पहले मुंह पोछ। ए नाइस, नरी किधर है? सुबह सुबह ही बाथरूम लग गई है, वो बाथरूम में ही बैठ गया सर। वो ऐसे ही टाइम पे धोखा देता है। ए, ए, क्या है? सब जगह से तो उल्टी तरह से निकलता है, डायरेक्टर का रास्ता क्रॉस करेगा? लिमिट में रहे, परिसरा को कैसे भी करके मनाना होगा। क्या है जी, बिना बताए कहाँ घुसे जा रहे हो? हम परिसरा के लोग हैं। अच्छा हाँ, यहाँ लिखो हाँ। साइन करो, पहले नाम तो लिख फिर मैं साइन करूंगा। क्या नाम है? पूछेगा तो मारूंगा। क्या पूछेगा तो मारूंगा? पूछूंगा तो मारूंगा। करेक्ट नाम बता। पूछेगा तो मारूंगा, बताया ना एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, ये भी नया किस्म का घोंचू है। नाम पूछूंगा तो मारेगा, 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 मारेगा। क्या कर रहा है? अरे मार क्यों रहे हो सर? इनका नाम है भूतों का राजा भोगराज, फिल्म के डायरेक्टर बनने आए हैं। अगर नाम डिफरेंट रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, है कि नहीं? पूछेगा तो मारूंगा ऐसा नाम रखेगा। क्या जिंदगी है यार, सुबह सुबह सिक्योरिटी के हाथ से मार खाना पड़ रहा है, और अभी अंदर गया तो वहाँ पर परिसरा है, वो बाहर आ गई तो प्रलय आ जाएगा ये तो पक्का है। अरे ऐसी मौत मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा मैं घर वापस जा रहा हूँ। सुनो बेटा। हाँ माँ।
कॉलेज से घर आते समय घर के ओनर के पास जाकर एक महीने की सैलरी लेते आना। हाँ, कॉलेज में मुझे ऑलरेडी लेक्चरर का काम मिला है। जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें आराम से अपना घर खर्चा चल रहा है। और तुम हो कि मेरे मना करने के बावजूद भी बाहर काम करने के लिए चली जाती हो। ऐसा नहीं है बेटा, वही काम परमानेंट हम लोग करेंगे, थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाएगा, तब पैसे के लिए रोने से अच्छा है अभी काम करके थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ले। लव यू मां। मैं अभी जाकर पेमेंट लेके आता हूँ, लेकिन कल से तुम काम पर नहीं जाओगी, ठीक है? इतने दिनों तक तुमने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू सर। आप खुद कहेंगे इसका इंतजार करते हुए मैं थक गई। आप मेरी तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखते हैं सर। बट आई लव यू अ लॉट सर। हेलो। हाय, ये क्या है सर? ये दिल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें क्या है सर? मोती है। हाँ, मोती है। आइए ना सर। प्यार एक ऐसी चीज है जितना दो उतना ही लोग और मांगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार लाया हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ अगर ये जानना है तो इसे ओपन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तुम भी अगर मुझे पसंद करती हो तो मैंने तुम्हें जितने भी मोती गिफ्ट किए हैं उतने तुम्हें मुझे अपने गाल पर देने होंगे। एक मिनट पकड़िए ना सर। बाकी लोगों का तो प्यार होने के बाद किस होता है, लेकिन मेरा किस के बाद प्यार होगा? ये सर, हर महीने जब आप अपनी माँ का पेमेंट लेने आते हैं तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं होता। बट फर्स्ट टाइम मेरे दिल में खुशी का ज्वालामुखी फट रहा है। आई एम रियली लकी एंड आई लव। हे, नो 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 नो, मैंने जिस स्टाइल में प्रपोज किया वैसे ही तुम्हें करना होगा। अरे, सपना था क्या? हेलो। हेलो, हाय। हाय, आ जाइए ना सर। ओके। यस सर, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैंने बताया था ना, वो लड़का मुझे मिल गया सर। इसने कब बताया था? अरे छोड़िए ना, आप भूल गए होंगे शायद। अच्छा, मुझे याद नहीं है, कौन है वो? रिलेटिव है क्या? अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं सर, मेरे सपने में जो आया था वो मेरी आंखों में है, चाहिए तो देखी। ओह, वो सपने में आया था, कमाल है। प्यार करने वाला सपने में आया है इसका मतलब ये है कि उसके दिल में तुम नहीं हो, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़कर अपने डैडी कहाँ है बताओ, मुझे उनसे पेमेंट लेनी है और जाना है। ठीक है, रुकिए। पापा बाहर गए हैं, आप आए तो आपको पैसे देने के लिए कहा था। परिसरा जी, इट्स ओके। ओह, हाय। हाय, माँ का पेमेंट लेने आए थे। जी हाँ, ओके, बाय। घर की चाबी देना प्लीज। हाँ, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। Ugh.
एक साल से वन साइडेड लव कर रहा हूं मैं परिसरा। प्लीज परिसरा, तुम्हें दिल से प्यार करने वाले इस दीवाने को थोड़ी सी दिखा दो दया। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टुडे इज कॉफी सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। प्यार करने वाला लड़का अगर आपके सपने में आए तो इसका मतलब वो हमारे दिल में ही है ना? ये बात डायरेक्टली आकर मुझसे पूछ रही है, मतलब मेरे बारे में समथिंग। कौन है मैं पूछ सकता हूँ क्या? टाइम आने पे मैं खुद आपको बताऊंगी। मुझे लगता है आप किसी को ऐसे बोल के कुछ अलग राह पर लेकर जा रही हो। आप टेंशन मत लो, आप अपने सपनों में आने वाले उस राजकुमार को अपनी आंखों में बसा लो और दिल में उसके लिए घर बना लो। थैंक यू सर। ये लीजिए कॉफी। रुको 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 भैया। भैया। ओ, क्या हुआ मंजू दीदी? मैं काम करती हूँ ना उस शादी हॉल में, वहाँ मैंने इन दोनों को देखा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों बेचारे वहाँ रो रहे थे। आप इनकी मदद करेंगे इसीलिए आपके पास ले आई। अब क्या करें? ठीक है, काम करो, दोनों अपना फोन दे दो। फोन दो, फोन दो। स्विच ऑफ है क्या? क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, ऑन कर रहे हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे चाहिए तो पास में जो शिव का मंदिर है ना, वहां पर तुरंत आ जाओ। कचरे को साइड में करके रखना आसान है, लेकिन दिल का कचरा साफ करना बहुत मुश्किल होता है सर। बस हो गया, रुको। तुम्हें क्या पता है पैदा करने वाले का दर्द? 20 साल तक अपनी आंखों में देखकर जो चाहिए वो देकर प्यार से पाली हुई बेटी को शादी करते देख माँ बाप को जो खुशी मिलती है वो खुशी किसी को नहीं मिलती। ऐसे टाइम पर ये कमीना लड़का जाकर मेरी बेटी को मंडप से उठाकर लेकर चला गया तो हमारी मान मर्यादा का क्या हुआ? वो सब छोड़ो, मेरी बेटी को उठाकर लेकर आया हुआ ये कमीना, अगर मैं एक बात कहूं तो इसके पास एक रुपए नहीं होंगे तो पर ये मेरी बेटी को मंगलसूत्र कैसे पहनाएगा? हाँ, शादी कराएगा ये सोचकर मैं यहाँ ले आई और ये कमीना अपना मुंह फेर रहा है। हे भगवान, तुम्हें ही बचाना होगा। सर, ऐसी सिचुएशन में अगर आप सडनली पूछेंगे तो कोई भी लवर बात नहीं कर पाएगा सर। इन्होंने तो सिर्फ प्यार किया है और जिसे प्यार किया है उसे पाना ही इनका लक्ष्य है। तुझे छोड़कर मैं नहीं जी सकती, मुझे छोड़कर तू नहीं जी सकता, ऐसे दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास और प्यार रखा है और उसी प्यार से ये दोनों साथ रहेंगे सर। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है, जो भी है हमें क्या करना। सर, अभी अगर आप अपनी बेटी को ले जाकर दूसरी शादी करोगे ना तो भी थोड़े ही दिनों में जिसने उसके गले में मंगलसूत्र बांधा है उसे छोड़कर जिससे प्यार कर रही है उसके साथ भाग कर चली जाएगी, बिना कोई कारण के, बिना कोई लेटर लिखे, बिना किसी को देखे, बिना ये बेचारी कैलाश पहुंच जाएगी सर। और अगर ये जिंदा रहेगी तो भी किसी को पता ना चले, इस तरह से अपनी आंखों के आंसू से हाथ धोती रहेगी। तुम्हारी ये बात सुनने के बाद भी अगर हमने इन दोनों की शादी कराने की सोची भी तो भी नहीं करा सकते। सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए? इन दोनों का सच्चा प्यार नहीं है, यही कहना ही मेरी प्रॉब्लम है सर। क्या बोल रहे हैं पापा? मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसे प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं आपको छोड़कर गया था। इस लड़की के मिलने से पहले तू मुझे ये बता कि जान से ज्यादा किसे प्यार करता था तू? मम्मी और आपको। अच्छा, ऐसा है ना, हमें प्यार करता था। ऐसा है तो 20 साल से जान से ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी डैडी को छोड़कर 2 साल से प्यार करने वाली इस लड़की को छोड़ के तू कितने साल बाद चला जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? सर, इस तरह से एक सवाल पे जवाब और जवाब पे सवाल देते रहेंगे तो आखिर में बचता है सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क सर। आपको छोड़कर चले जाए ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं है सर। मुझे बता दिया होता तो मैं खुद खड़े होकर इन दोनों की शादी करवाता। हाँ सर, आप खुद ही खड़े रहकर शादी करवाते थे, उन्होंने नहीं बताया, ये उनकी गलती है। बोल सकते थे वो, लेकिन डर है ना सर, अब क्या करें? आपने अपने बेटे को इतने डर से बड़ा जो किया है और वो डर ही इन सब का कारण है सर। आपको एक बात बोलूं सर, बच्चों को पैदा करने वालों का डर नहीं, प्यार और गौरव रहना चाहिए। कोई भी लड़का लड़की अगर भागकर शादी कर लेते हैं तो थोड़े ही दिनों में अपने माँ बाप के सामने परेशान रह जाते हैं। तभी आप ये मेरी बहू है, ये मेरा दामाद है ऐसा कहकर उनको अपनाने की बजाय शादी के पहले अगर आपने थोड़ा सा भी सोचा तो आप अपने आशीर्वाद के साथ अपने बच्चों की शादी करवा सकते हैं सर। बात गले तक आने के बावजूद माँ बाप के सामने शादी करवाएंगे तो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, इसीलिए सबको बुलाकर मनाकर शादी करवाने के बारे में सोचते हुए
सच में तू एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ये शुभ कार्य अपने हाथों से ही होने दे। अगर मेरे हाथों इनकी शादी होने वाली होती है तो वो कब की हो जाती सर? सिर्फ आप सबका आशीर्वाद चाहिए सर। यहाँ बात करने के लिए लेकर आई हैं और खुद ही पानी में पसीना बहा रही हैं। क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पे निपली फॉल्स है, वहां जाकर बैठते हैं। क्यों सर? आप लेक्चरर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ, इसीलिए क्या? आपका अलग ब्रांच है और मेरा अलग ब्रांच है, हम सिर्फ एक कॉलेज में ही तो हैं। बात तो सही है, लेकिन अभी मैं प्यार नहीं कर सकता। आई लव यू सर, आई लव यू। रुकिए सर, रुकिए। आई लव यू बोल बोल के चिल्ला रही हूँ मैं, और आप मुझे अनसुना करके यहाँ से जा रहे हैं? क्या है ये सब? मैं अभी प्यार नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? पसंद है तो हाँ बोलिए, वरना ना बोलिए और यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा ना कि मुझे पसंद नहीं है। हाय। हाय, आपको कुछ बात करनी थी ना? कुछ नहीं, खाली जगहों को भरना चाह रहा हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाई। कैसे बताऊँ? हाँ, हॉलीडेज में मजे करने वाले तुम्हारे इस दिल में ये इंसान थोड़ी सी जगह मांग रहा है। ओके, एक बार और बताइए। हॉलीडेज में मजे करने वाले तुम्हारे इस दिल में ये इंसान थोड़ी सी जगह मांग रहा है। मेरे लिए तो ओके है, लेकिन आपको ही सोचना होगा, समझे? क्या मैं? लेकिन क्यों? ठीक है, आपकी स्टाइल में बताती हूँ। हाँ, बाइक से आई हुई ये ब्यूटी देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन बात करोगे तो सबके छक्के छुड़ा देगी। चोटी में रहने वाली ब्यूटी बात तो करती है भारी, मुझसे चालाकी की तो बिगाड़ दूंगा ब्यूटी। क्या कहा? मेरी सुंदरता खराब करेगा? अभी दिखाती हूँ तुझे। हाँ, क्या बोला तूने मुझे? अभी बताती हूँ तुझे। तो वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद कैमरा जूम होता है। हेलो हेलो प्रोड्यूसर साहब, क्या हुआ? इस अकेले बंदे को देखने के बाद मेरे मन में अभी अभी एक सीन क्रिएट हुआ है। तुम ऑलरेडी उस जगह पर जाकर आ गए हो, तुम बहुत ही कमाल हो। सर, हीरोइन आ गई सर। हाय। क्या क्रिएटिविटी है, क्या टाइमिंग है सर, पक्का यही लड़की आ गई सर। आप कुछ बोलना चाहती थी ना, बोलिए ना। ये क्या है, ये डायलॉग तो उसे कहना चाहिए था। सुबह मैंने समर्थ सर को डायरेक्टली प्रपोज किया है, लेकिन उन्होंने तो सीधे मेरे मुंह पे ही मना कर दिया। तब मैंने क्या किया पता है? सॉरी सर, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात कर ली। बट मैं क्या करूं, मुझे जो आपसे प्यार है उसने ही ये सब कुछ करवाया है। क्यों सर, मैं आपको क्यों पसंद नहीं हूँ?
मेरे इस प्यार को आप क्यों समझ नहीं पा रहे? पता नहीं तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही। एक नहीं, पिछले 8 महीनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये प्यार का दिन कब आएगा और तुमसे अपने प्यार का इजहार कब करूंगा। और तुम सडनली मुझे यहाँ पर बुलाकर आई लव यू बोल दोगी तो मुझे मान लेना चाहिए। अरे सर, यही बात है क्या? मेरा तो दिल ही टूट गया था। ठीक है सर, हम इस लोकेशन पे आए ही नहीं है और मैंने आपको कभी लव यू कहा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। अरे वो कहते हैं ना, शादी के बाद तुरंत बच्चे नहीं होने चाहिए, वैसा ही हो गया है अभी। अब मैं इंतजार। हाँ, तो कैसी लगी हमारी लव स्टोरी? हाँ? और ये क्या है? ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे रही है।
ओके, प्यार करने वालों को तकलीफ देना एक अच्छा ट्विस्ट है। आगे क्या हुआ? मैं तो कह चुकी हूँ, आप क्या कहना चाहते थे? जो चीज मैं तुम्हें बताना चाहता था उसका तो पोपट कर दिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सुनकर टाइम खत्म हो गया है। फिलहाल मुझे जाना है, फिर टाइम मिलेगा तब बताऊंगा। क्या है ये, कहानी पूरी उल्टी हो गई यार। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, चलो डोसा ही खा लेता हूँ। अबे यार, ये डायरेक्टर ने तो एक घंटा ले लिया, पता नहीं क्या कर रहा है अंदर। अबे इस डायरेक्टर के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? ये राजा मौली को जानता है, भूपेंद्र को जानता है, ऐसा बोल के लोगों को ठगता रहता है, बजाता रहता और है। वो जो प्रोड्यूसर है ना, इस डायरेक्टर की बस बातें सुनता रहता है। इस जन्म में ये डायरेक्टर फिल्म नहीं बना सकता है। चलो हम लोग भी ऑटो ऑटो चलाते हैं। क्या आंटी, तुझे भगवान ने जितनी बड़ी बॉडी दी है ना, उतना बड़ा दिमाग भी दिया है। पहले उस डायरेक्टर की अंडरवियर पहनना छोड़ दे, तब तू कुछ आगे बढ़ पाएगा। हाँ, मैं तो अंडरवियर रोज ही पहनता हूँ भाई, लेकिन तू तो कहाँ कहाँ हाथ लगा देता है उसे। तू अपने आप को समझता क्या है, फटका दूंगा ना तो पूरा अंदर घुस जाएगा तू। तो कितना मोटा ये नहीं जानना चाहता हूँ, तेरे में दम कितना ये इम्पोर्टेंट है। एक दूंगा ना, रेडी रेडी सर, यहाँ से उठ जाएगा। काम हो गया, यस यस। एक्शन कट, शूटिंग फिक्स, सिर्फ डेट्स फिक्स होना बाकी है। क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? सर वो सारी बातें बाद में होगी सर, कल रात से हमने कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दीजिए। दे दीजिए ना सर। ये लो 10 रुपए रख लो, तुम दोनों चाय पी लेना, मैं पानी पी लूंगा, यही अच्छा रहेगा, प्लीज एंजॉय। जितने पैसे इसने दिया है उसमें ये चाहता है कि पूरी यूनिट को खाना खिला दूं मैं। माँ, 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 माँ को क्या हो गया मंजू दीदी? मैं और दीदी मार्केट में सब्जी लेने गए थे भैया, तभी माँ के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से सर से खून बहने लगा, वो देखकर मैं डर गई, इसीलिए मैं हॉस्पिटल लेकर आ गई। उन्होंने मेरा खून भी चेक किया है, दोनों का खून एक है, इसीलिए मैंने इन्हें खून दे दिया। इनको थोड़ी सी खून की कमी थी, डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, 4 दिन में मम्मी डिस्चार्ज हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू दीदी। छोड़ो भैया, इतनी सी बात के लिए क्यों थैंक यू, हम अगर किसी का अच्छा करेंगे तो कोई हमारे लिए अच्छा करेगा। ठीक है भैया, मम्मी के साथ यहीं पर रहना, मैं रात के खाने का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है, आती हूँ भैया। ठीक है। माँ जी, आप क्यों काम के चक्कर में यहाँ वहाँ दौड़ती रहती हो? आपका बेटा कमाता है, पहले आप अपने बेटे के लिए एक वाइफ का इंतजाम करो, वो सब ठीक कर देगी। समर्थ, माँ का ख्याल रखना। परिसरा, हम दोनों के प्यार के बारे में माँ को बताने से पहले माँ ने मुझसे कहा कि उसे परिसरा ही अपनी बहू के रूप में चाहिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना। तो फिर हमें शादी कब करनी चाहिए बताओ, अभी तुरंत करोगे या फिर जॉब परमानेंट होने के बाद? काम परमानेंट करने के लिए जो पैसे लगते हैं उतने हमारे पास है नहीं, ऐसा ही 2-3 लोगों को किडनैप कर लेंगे तो उससे डबल कमा लेंगे। आप में इतनी हिम्मत है? समय और स्थिति इंसान को किसी भी तरह बदल सकती है। चलो टाइम हो गया। समझ नहीं आता, चांस दिया तभी यूज नहीं कर रहा। सर, आपने आज तक किसी और से प्यार नहीं किया? नहीं नहीं, क्यों? और आपके फ्रेंड्स ने भी कभी किसी से प्यार नहीं किया? मैंने पूछा नहीं, क्यों? ऐसे ही मैंने पूछा, आई लव यू सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, और आई लव यू बोलना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन लव होने के बाद, शादी के बाद और शादी के पहले बीच में जो गैप होता है, उसमें लड़का लड़की से या फिर लड़की लड़के से सभी तरह की बातें करते हैं, मतलब हर तरह का बैलेंस रहना चाहिए ना, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? ऐसा नहीं होगा तो फिर प्यार को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना सर। ओ, ये बात है। ओके ओके। क्या ओके ओके, साला कमीना,
ए सुन, टाइट पकड़। मोबाइल भी टूट गया। इसलिए जिस जगह पर जो करना है वो उसी जगह पर करना चाहिए। कहीं पर कुछ भी करेंगे तो ऐसा ही होता है, समझी? जैसे ये हो गया, इसीलिए कमर को नहीं पकड़ना ये सोचकर मैं शांत बैठा हुआ था, लेकिन तुमने तो मुझे एकदम बेवकूफ समझ लिया। तुम सिर्फ थोड़ा सा मुझे ढील दे दो, बिस्तर पे औलाद पैदा करके दिखा दूंगा। अब चलो, लेट हो रहा है, निकलते हैं। क्या हाल भाई, और क्या चल रहा है? जेल से तो आप आए हो भाई, आप बताइए। ठीक है, चलते हैं जल्दी, चलो। अरे ओ भाई, चाय के पैसे तो दो। भाई जानते नहीं क्या, इनका बैकग्राउंड के बारे में तुझे मालूम नहीं? इसीलिए तो बैकग्राउंड में कोई नहीं है। देख अपुन है ना इसके बैकग्राउंड में। हाँ ठीक है, पहले चाय के पैसे दो, फिर उसके बाद जाओ यहाँ से। चले आते हैं। सुन, हाँ। फिर से टीम रेडी करना होगा। सर, ये चिल्लर लोगों की मुंह मत लगी, यहां से निकलते हैं। सर सच में आप फिल्म डायरेक्टर हैं क्या? अरे हाँ यार, डायरेक्टर ही है। सॉन्ग का लोकेशन देखने आए। ऐसा क्या सर? चल निकाल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे, ओ सीरियस, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जाने से मना कर रहा है, और जहाँ पर लोग रहते नहीं है वहाँ पर लेकर आया तू। ए सीरियस, सॉन्ग के लिए डायरेक्टर यहाँ लोकेशन देखने के लिए आए हैं। तुझे भी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था ना, जाके अप्रोच करना, तभी तो फिल्मों में डायरेक्टर बन पाएगा। मेरी सेल्फी खींचने बोला था, उसकी फोटो निकाल रहा है। ये कौन है यार, इतना सीरियस है? क्या है, कौन हो तुम भाई? सीरियल असिस्टेंट डायरेक्टर सर। सीरियल का? नहीं सर, सीरियस सर, मेरा नाम ही सीरियस है सर। ओह, डायरेक्टर बनना चाहता है क्या? हाँ सर। ये क्या है यार, रिएक्शन ही नहीं है, अब तो एक्शन कैसे बोलेगा? एक्शन बोलते वक्त आ जाता है रिएक्शन सर, चाहो तो आप देख लो। एक्शन 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 आया ना सर, रिएक्शन। बापरे, ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। तुम्हें क्या क्या आता है? आपको जो चीज नहीं पता है वो मुझे पता है सर। अरे छोड़िए सर, छोड़िए, क्यों मार रहे हैं सर? मारने से पहले बता के तो मारो सर। घुंचू कहीं के, पहले इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और ऊपर से तू। सर इसमें तो रिएक्शन ही नहीं है सर। यही है उसका रिएक्शन बे। वैसे ये क्या है बिना रिएक्शन के, सीरियसली बात कर रहा है? मेरा खुद का रिएक्शन चला गया है। हा? क्या है यार, तुझे मुझसे क्या चाहिए? मुझे रख लीजिए सर, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे। चाहिए तो मैं खड़े खड़े कहानी सुना दूंगा सर। हा? इतना टैलेंट है? मेरे अंदर वही है सर। ठीक है, कहानी सुना। ओके सर। सर डायरेक्टर असिस्टेंट बीच पर सॉन्ग लोकेशन देखने के लिए आते हैं सर। ओ, हमारी तरह क्या हो सकता है सर? उसी जगह पे मंजा, निकित और सीरियस नाम के तीन दोस्त ट्रिप के लिए आते हैं सर। ओ, तो तुम्हारी तरह क्या हो सकता है सर? सीरियस डायरेक्टर के पास जाकर नमस्ते बोलता है सर, तभी वो डायरेक्टर सीरियस को देखता है सर, तभी सीरियस सीरियसली खड़ा रहता है सर। अबे क्या बकवास कर रहा है, बीच पे आने के बाद जो जो चीजें हुई है उसी की कहानी बना के सुना रहा है सर। ये सीरियस जब सीरियसली कहानी सुनाता है तभी सीरियसली सुनना चाहिए सर। अगर आप सीरियस नहीं हुए तो इस सीरियस को सीरियस होना पड़ेगा सर। कहानी सुनने के लिए दिलचस्पी रहनी चाहिए सर, दिलचस्पी ही नहीं है। चलो बे। बोलो बेटी। बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी को किडनैप करने वाला बोल रहा हूँ। क्या किडनैप? कौन है बे, कौन है तू? मैं कोई भी हूँ, 5 लाख रेडी कर लो। क्यों? तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है ना, इसलिए मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करना,
सिर्फ कहां पर पैसे लाकर देने हैं इतना ही सवाल करना। फोन कीजिए उसे। हेलो, जिस जगह कहा था हम आ गए। गॉड, अपार्टमेंट के बैक साइड में आना। ओके। फिर से कॉल कीजिए उसे। सर रिंग जा रही है। लाउड स्पीकर ऑन कीजिए। सर आपने जहां कहा था हम वहां आ गए। पैसे लेकर नीचे उतर जाओ। सर आप कहां पर हैं? टाइम वेस्ट मत करो, कार से उतर कर जिस जगह पर बता रहा हूं वहां पर आ जाओ। उसे बोलो आ रहा हूं। सर आ रहा हूं अभी। हाँ ओके। हाँ सर उतर गया मैं। वहीं कहीं पर देखना एक मेटल गिरा होगा। हाँ सर। हाँ दिख गया मुझे, मिल गया। उसे उठाओ और जो नोट लाए हो उसमें डाल दो। रख दिया सर। वहीं कहीं कैप पड़ा होगा, उससे बंद कर दो। हाँ बंद कर दिया सर। वहां पर एक व्हाइट कलर का पाइप होगा, उसके नीचे जाकर इसे लगा दो। Something is going wrong. हाँ लगा दिया सर। कार में जो तुम्हारा इंस्पेक्टर बैठा है ना। क्या हुआ? वहां पर बहुत देख लिया, अब यहाँ पर देखो। हाँ? तुम यहाँ कैसे? Hey, मुझे थोड़ा काम है। वो सब ठीक है लेकिन तुम यहाँ कैसे? ट्यूशन क्लासेस था। ओके, मुझे अभी अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड लक। हेलो, कहाँ हैं आप? बेटी घर आ गई है। अच्छा, जल्दी आइए। मैं अभी आता हूँ। तुम दोनों ऊपर जाओ, तुम दोनों वहां जाओ। गो सर्च। मेरे साथ ही चीटिंग करके चला गया। बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट लेकर दूं? गौतम से पूछने की सोचा तो वो ड्यूटी पे गया है। फोन करने की सोचूं तो मोबाइल टूट गया है। क्या करूं मैं? ठीक है, गौतम जैसे ही सुबह आ जाएगा उसके साथ डिसाइड करके अच्छा गिफ्ट लेकर आ जाऊंगी। मम्मी, 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 सर,
बच्चा, मेरा बच्चा। का बर्थडे था इसलिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई थी मम्मी। मेरे गिफ्ट को वो मना करेगा क्या? मैं देती हूँ उसे। का बर्थडे था इसलिए मैं बर्थडे गिफ्ट लेकर आई थी सर। तुम्हारे गिफ्ट को माँ मना थोड़ी करेगी, उनको मैं देता हूँ। था वो हो गया है। चलिए सर घर चलते हैं। प्लीज सर।
यस मैं भवानी इंटरप्राइजेस का ऑनर हूँ, भवानी प्रसाद नाम है मेरा। बैठिए ना सर। बताइए सर। कंप्लेंट देनी थी। किस बात की कंप्लेन? मेरे बेटे का किडनैप हुआ है, 15 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 15 लाख? भवानी प्रसाद, उसने आपको कहाँ से फोन किया था? मेरी बेटी के नंबर से फोन किया। पक्का प्लान बनाकर पब्लिक को तकलीफ देने वाले उस पापी को सबक सिखा के हम पुलिस वालों का पावर क्या होता है यह दिखाना ही होगा। आप एक काम कीजिए, आप रिटर्न कंप्लेन दीजिए और उसने आपको जो अमाउंट लाने को बोला है वो रेडी करके मुझे कॉल कीजिए। सुनो, इन्हें मेरा फोन नंबर देना, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सर रोइए मत सर, सर प्लीज मत रोइए। मैं समझ सकती हूँ माँ का प्यार क्या होता है। मैं कभी आपको माँ का प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन पक्का माँ के जितना ही प्यार दूंगी। आप थोड़ा अपने आप को संभालिए सर, हिम्मत रखिए। लेकिन अचानक से माँ को हुआ क्या? कल मम्मी का और मेरा बर्थडे था। Happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday to you। माँ, हमारे लाइफ में हर साल सिंगल खर्च और डबल प्रॉफिट होता है ना। वो कैसे? क्योंकि हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन में रहता है। एक ही केक लेकर आते हैं, उस पर हम दोनों का नाम भी लिखवाते हैं, अरुंधति और समर्थ। आने वाले भी एक ही बार खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन दो दो गिफ्ट देकर जाते हैं, एक आपको और एक मुझे। ये तो सही बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। समर्थ, क्या हुआ? मम्मी कैसी है? डॉक्टर ने कहा क्या? और 3 घंटे, कुछ कह नहीं सकते ऐसा उन्होंने कहा। सॉरी समर्थ। जो हो गया वो हो गया, चलिए घर चलते हैं सर। पापा ने आपको साथ लेकर आने को कहा है। नहीं परिसरा, तुम जाओ। ऐसे समय में मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकती हूँ सर? परिसरा, ये खुद को दिलासा देने का समय होने के बावजूद मैं अभी आने की स्थिति में नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है सर। प्लीज परिसरा, बस 2 दिनों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, उसके बाद मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा, लेकिन अभी तुम जाओ प्लीज। क्या ट्राई करूं? तुम्हारे बेटे को किडनैप करके ऑलरेडी 1 दिन हो गया है, बार बार टाइम देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको अपना बेटा ही इंपॉर्टेंट है तो 15 लाख रुपए लेकर तुरंत मुझे फोन करना, घर पर आकर मैं खुद पैसे लेकर चला जाऊंगा, एड्रेस सेंड करना। अगर लेट हुआ तो क्या होगा पता है ना?
क्या हुआ बेटी, इस तरह भाग कर आई? ए, ए, क्या हो गया है? क्यों रो रही? पापा, समर्थ सर। समर्थ? समर्थ को क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ है पापा। समर्थ सर को हम जितना अच्छा समझते हैं वो नहीं है, वो एक किडनैपर है पापा। हा? ये तू क्या कह रही है बेटी? तूने उसे पसंद किया इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मिल करके आया हूँ। तुम्हारी पसंद अच्छी है इसीलिए मैं चुप हो गया। देखो बेटी, मैं भी कोशिश करता ना तो इतना अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाता। सच कहूं तो बहुत ही अच्छा लड़का है वो। देखो तुम उसे ठीक से समझ नहीं पा रही हो। मैंने भी ऐसे ही सोचा था पापा, लेकिन वो वैसे नहीं है। उनसे मिलने के बाद उनके घर से निकल रही थी लेकिन मैं अपना बैग उनके घर पर ही भूल गई। तो बैग लेने के लिए जब वापस गई तब मैंने उन्हें किडनैपिंग की बात करते हुए अपने कानों से सुना है, और वो भी 15 लाख के लिए पापा। 15 लाख? और इसके अलावा परसों हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही 4-5 किडनैपिंग कर लूंगा ना तो लाइफ पूरी सेटल हो जाएगी। तब मुझे लगा था कि वो मजाक में कह रहे हैं ऐसा, लेकिन ये पक्की प्लानिंग है पापा। मुझे पता चल गया है सब कुछ, अब पता चल गया है। अरे बहुत तंग आ गया हूँ, क्या करूँ, ना कोई बस है और ना कोई लड़की है। अरे यार क्या करूँ, क्या करूँ यार, ये कोई टाइम है आने का? कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो घर वाले घुसने नहीं देंगे। और भी एक गलती कर ले फिर अंदर चला जाएगा। ए, ए, हमारे एरिया में दोबारा दिखाई मत देना नहीं तो पिछवाड़े में चाकू घोस दूंगा। चल बे निकल। बहुत देखे इस तरह से। सच में घोप देगा वो। हाँ ठीक है अभी निकली हूँ यार। ओके। अरे यार इस गांव में जींस पैंट पहनने वाली लड़की, अरे बहुत ही मस्त है। अरे ये मेरे लिए परफेक्ट है। सच में? ठीक है ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी। यस टेल मी। ये क्या है मैडम, इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं प्रपोज कर दूं। कल आप जैसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। सोचा आपसे शादी करके 3-4 सालों में 4-5 बच्चे बनाकर डैडी बन जाऊं। लेकिन ये क्या किया मैडम, ये पहनकर मेरे सपने चूर चूर कर दिए। छी लोफर। अच्छा लव फोर। पड़ गई। मनाने की तो औकात नहीं है इस डायरेक्टर की, जब देखो तब लड़कियों के पीछे दुम हिलाता फिरता है। टेंशन से बाल भी उड़ गए। समर्थ। हाय गौतम, ड्यूटी नहीं है क्या यहाँ पर? ड्यूटी पर ही हूँ। एक शातिर किडनैपर है जो पुलिस की बाज नजर से बार बार चकमा देकर निकल रहा है, पैसे लेकर भाग रहा है, और अब तो उसने भवानी प्रसाद से 15 लाख की डिमांड की है। जब तुम यहाँ पर हो तो वो कहाँ से आएगा? आएगा, जरूर आएगा। वो सिर्फ किडनैपर नहीं है, और वो क्रिमिनल किडनैपर भी नहीं है, क्रिएटिव किडनैपर है। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर इस बार वो कैमरा की नजर से नहीं बच सकता, ऐसा प्लान बनाया मैंने। होशियार रहना गौतम, चलो अच्छा है। बाय सर। लीजिए सर। माचिस दे। माचिस नहीं है। अबे खोचू, माचिस दे। ए, मैं कौन हूँ बताया ना? भूत का राजा भोजराज। लगा। अबे खोचू कहीं के क्या कर रहा है? पागल, तुझसे नहीं हो पाएगा। चल दे। तू लगा। ऐसे पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना नहीं चाहिए, आप लोगों को पता नहीं है क्या? अपनी बॉडी के साथ साथ पूरा एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं। क्या? मैंने एटमॉस्फेयर कब खराब किया? और ये कमीना काला घोंचू कहीं के
क्या है सर? हीरोइन अगर हाँ बोलेगी तो ऐसा मैसेज रहेगा। सर परिसरा मैडम को कैसे भी करके मना लीजिए सर, मैं उनके घर भी गया था, उनके पिताजी भी नहीं माने, उनको भी कन्विंस किया वो भी नहीं मानी, लेकिन आप बोलोगे तो मानेगी सर, क्योंकि आप उसके लवर बॉय हो ना, ऊपर से आप उनसे शादी करने वाले हो, इसलिए मेहनत करके मैं आपको ढूंढते हुए इतनी दूर आया हूँ, प्लीज उन्हें मना लीजिए ना। हाँ वहां मत डालिए, यहाँ दीजिए, स्वच्छ भारत। राजा मौली जी ने बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों बना ली, लेकिन हमारा डायरेक्टर अभी तक हीरोइन ही ढूंढ रहा है। चाहे कितना भी बड़ा मैटर हो जाए तू चुपचाप खड़ा रहे। प्लीज सर। कहानी बताने के लिए आप मार्केट में निकले तो हो, लेकिन आपको लोगों की पसंद ही नहीं पता है। 12 बजे बोलकर आता हूँ, अभी तक नहीं आया, कॉल भी नहीं किया, मतलब पुलिस यहाँ पर है, उसे पता चल गया होगा। फिर भी पुलिस वालों को टोपी पहनाने वाला क्रिएटिव ये हीरो जब मेरे हाथ लगेगा तब उसकी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। तब हर एक किडनैपर को पुलिस का पावर क्या है ये पता चलेगा। सर उसी का फोन है, बात कीजिए। हेलो, मैं अभी वहां पर नहीं आ सकता, आप एक काम कीजिए, मैंने जिस स्टाइल में आपको बोला था ना उसी हाँ। स्टाइल में पैसा रेडी करके जंगल में आ जाना। हेलो सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। ओके मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो। सर उसे फोन कीजिए। रिसीव नहीं हो रहा है सर। अच्छा फिर से ट्राई कीजिए। वो रिसीव नहीं कर रहा है सर। सर उसने मुझे मैसेज भेजा है। मैसेज क्या लिखा है पढ़ो। उसे आने में भी 10 मिनट और लगेगा, ऐसा मैसेज है।
और एक बार सोच लीजिए सर, परिसरा नंबर वन हीरोइन बनेगी सर। सर चाय। सर आप कहें तो प्रोड्यूसर को बुलाऊं सर? प्लीज सर। सर वो देखिए सर, हा? वो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आ रहा है? उसको तो आपने बेवकूफ नहीं बनाया ना? लगता है ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। शायद उस दिन होटल वाली बात से मेरे से बदला लेने आए होंगे। क्या किस्मत है मेरी, लगता है सटकना पड़ेगा। चलो भाई। चुपचाप गाड़ी में बैठ। अगर मैं डर गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्या 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 है? मैंने ऐसी क्या गलती की जो मुझे अरेस्ट करने आए हो? आप ट्रिपल स्टार बन गए तो कुछ भी करोगे? आप बोलोगे बैठ जाओ तो बैठ जाऊंगा क्या? नहीं बैठूंगा। क्या करोगे? समर्थ तुझे ही बोल रहा हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो तुम्हें यहाँ से लात मार कर लेकर जाऊंगा। ये क्या था, मतलब ये मेरे लिए नहीं आया था? सर एक्टिंग करने के लिए कहा था, आपने तो ओवर एक्टिंग कर दी। नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस लिए? किडनैपिंग केस में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। किडनैप? किडनैप, और वो भी मैं? सर देखिए ये कैसे मजाक कर रहे हैं। सर सिचुएशन बहुत अच्छी है सर, कैसे भी करके इन्हें अपने साइड में खींच लीजिए। पर इसरा अगर हमारी फिल्म की हीरोइन है तो सिचुएशन बहुत ही अच्छा है सर। है? ये क्या, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? आप इन्हें अरेस्ट करने की बात कर रहे हो? ऐसा क्या किया इन्होंने? अभी दो ही मारे हैं, तीसरा मारा तो चार लोगों को कंधा देने आना पड़ेगा। ये तेरी वजह से पड़ा, गलत बात बताता है, अब कुछ मत बोलना, समझा? पेन पेपर तो तू दिला नहीं सकता है, मैं क्या तेरे सर पे लिखूंगा? सर 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 सर, ए जल्दी आओ, फॉलो मी, चलो चलो चलो, अरे आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग अपने आपको। सर 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 सर, अबे बंद हो जाना। सर क्या है, बेल के लिए आए हो? नहीं सर, मेरा नाम है, पूछोगे तो मारूंगा। सर क्या बोला? नाम है, पूछोगे तो मारूंगा। तुम मुझे मारने के लिए बोल रहा है, तेरी तो अभी दिखाता हूँ। सर मारिए मत, सर सर मैं बताता हूँ सर। सर इनका नाम है भूतों का राजा भोगराज सर, लेकिन जब से इन्हें डायरेक्टर बनने का भूत सवार हुआ है ये पागल हो गए हैं। जब भी कोई नाम पूछता है तो ये ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पर आ सर। अबे यहाँ पर क्या खड़े देख रहा है, यहाँ पर रुक, मेरे साथ खेल खेलते हो तुम लोग? ए किस लिए आए हो यहाँ पर? गोंजू कहीं के सर, समर्थ सर को किडनैप केस में अपने अंदर डाला है, डिफरेंट होने वाला कॉन्सेप्ट मिल सकता है। तेरा डायरेक्शन मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, डिपार्टमेंट को परेशान किए बिना तू यहाँ से चुपचाप निकल जा। सर निकल, चल, ऐसे बोलेगा तो और मारूंगा। मुझे मारते रहते सर, थोड़ा उसको भी मारो ना सर। खोली तो मार डालूंगा। हेलो सर। ओ बेटी, वो जो अंदर बैठा है ना, उसी ने तुम्हें किडनैप किया था, उसे ठीक से देखकर बताओ। सॉरी सर ये नहीं है। पापा एक दिन विघ्नेश्वर हॉस्पिटल के पास मैं अपनी फ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रही थी, वहाँ कुछ लोगों ने आके मुझे किडनैप कर लिया, उन लोगों से इन्होंने आके मुझे बचाया था। इतने भले इंसान को आखिर अरेस्ट क्यों किया गया है पापा? लगता है इन पर किसी का दबाव है इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगा। पापा इंस्पेक्टर को उन्हें छोड़ने के लिए बोलिए ना। ठीक है बेटी। सर वो भवानी प्रसाद और उनका बेटा आया है सर, लेकर आओ उन्हें। आप बोलिए किरण, किडनैप करके तकलीफ देकर पैसे मांगने वाला किडनैपर यही है कि नहीं? उसके ऊपर केस फाइल करके उसके पैर तोड़कर उसके अंदर की क्रिएटिविटी को खत्म करके तुम्हारे सारे पैसे दिलवा दूंगा। देखिए सेल में पड़ा है, वही है क्या? सर किसी को भी उठा के लाएंगे और उनका हाथ पैर तोड़ देंगे ना, तो उससे हमारा पैसा वापस नहीं आने वाला। असली किडनैपर कौन है वो पता लगाइए। पापा चलिए
सब उल्टा हो गया है। ये सब तूने किया है ये उन्हें नहीं पता, इसीलिए तुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे जितना जल्दी भेजूंगा उतना ही जल्दी वापस भी बुला लूंगा। तब तक तेरी माँ का बांधा हुआ ये रुद्राक्ष मेरे पास रहेगा। बोलिए गौतम सर। परिसरा, जो भी लोग किडनैप हुए थे उन्होंने समर्थ को पहचानने से मना कर दिया। मतलब समर्थ किडनैपर नहीं है, उसने उन लोगों की जान बचाई है। लेकिन हेलो 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 छे, अरे इसी वक्त फोन को कट होना था क्या? पापा पापा, ठीक है लॉयर साहब, आप बेल के पेपर लेकर सीधे पुलिस स्टेशन आ जाइए, मैं अभी वहीं पर आता हूँ। ओके पापा। क्या हुआ बेटी? आपने जो कहा था वो सही है, समझ सर किडनैपर नहीं है। अभी गौतम सर ने फोन करके बताया मुझे, मैं भी उनके बारे में कितना गलत गलत सोच रही थी। पापा आपने उनके बारे में इतना सब कुछ सोचा और बेल के पेपर्स रेडी किए, उसके लिए थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू अ लॉट। अब तो खुश है ना? यस आई एम फुल हैप्पी। ये अरे 32 मिस कॉल्स समझ सर के। हेलो समझ सर? समर्थ नहीं, गौतम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आपने फोन किया था ना तो फोन स्विच ऑफ हो गया था। सब लोग कह रहे हैं कि वो किडनैपर नहीं है, लेकिन किडनैपर वही है ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ परिसरा, उसने जो भी कुछ किया वो पक्का प्लान करके किया है, वो भी किस रेंज तक, पैसों के लिए जान लेने तक पहुंच गया था वो। लेकिन सबका कहना ये है कि उसने तो जान बचाई है, लेकिन लास्ट किडनैपिंग में जब मैंने उस पर हमला किया था उसके गले में जो लॉकेट था वो मेरे हाथ लग गया। उसकी माँ की मौत के दूसरे दिन से ही उसने ये काम शुरू किया। उसकी माँ की मौत और ये सारे किडनैपिंग्स के बीच में कोई ना कोई लिंक जरूर है, और अगर कहीं समर्थ बाहर आ गया तो उसके अंदर रहने वाला क्रिएटिव क्रिमिनल ब्रेन किडनैपर ही नहीं किलर भी बन सकता है वो। नहीं मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। उस पर भरोसा करने के लिए कहता भी कौन है? देखो किडनैपर कौन है ये ढूंढने के लिए तुम मेरी मदद करो। ओके सर। सर मैं करूंगी। थैंक यू परिसरा। बालू सर चार्ज कर दो। ओके सर। मोबाइल सर क्या है? फोन। ये ले। परिसरा डोंट वरी सर, आपके अरेस्ट के बाद पापा ने बेल के पेपर्स रेडी करवा लिए थे, लेकिन आपको छोड़ दिया है ये सुन के चुप हो गए। लेकिन गौतम सर ने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो फोन पे बताया उन्हें, और आप ही किडनैपर हैं ऐसा प्रूफ करेंगे ये भी कहा। जो कुछ भी हो आप एडवांस में तैयारी करके रखना। ठीक है सर चलती हूं। ये क्या है, आप तो कहते कि आपने किडनैप नहीं किया, लेकिन मुझे लगता आपका हाथ इसमें जरूर है। मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन अंदर ऐसे ही लोग बोल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस, बताइए ना सर। सर आपका फोन है सर। परिसरा ये क्या है, ये सब आपने कैसे किया बताइए सर। क्या ये किडनैपिंग स्टोरी पर आप फिल्म बनाएंगे? प्लीज सर। चलो जाते जाते बात करते हैं। हाँ, चलिए।
वॉइस रिकॉर्ड करना अच्छा रहेगा। अरे तू पीछे क्या हुआ? तू कहाँ जा रहा है? चल रूम पे जा। ए नरी तू बैठ। जी अबे जाना बे जा। विघ्नेश्वर हॉस्पिटल चलो। सर अब बताइए क्या हुआ, बोलिए सर। उस दिन डॉक्टर से बात करके हॉस्पिटल से जब मैं बाहर आ रहा था, हेलो चे, एक लड़की खड़ी खड़ी फोन पर बात कर रही थी। तभी चार लोगों ने वहां पर आकर, हाँ मैं हॉस्पिटल के सामने ही खड़ी तभी मुझे पैसों की जरूरत थी। उस लड़की के फोन में उसके जो पापा का नंबर था उनसे मैंने 5 लाख रुपए की डिमांड की। कोई बात नहीं चलो। हेलो सर, अमाउंट रेडी है, कहाँ लेकर आना है? और वहां से निकलकर उस जगह पर जाकर मैंने पैसे कलेक्ट कर लिए। बताता हूँ फिर 5 लाख का आपने क्या किया सर? पापा, मुझे किडनैप करने वाला और दूसरे को किडनैप करने वाला कोई और नहीं है पापा, वो पुलिस कस्टडी में जो है ना, सामर्थ वही है। क्या क्या कह रहा तू? सच बता, उस कमीने को सबक सिखाऊंगा।
मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए पापा, को लगता है कि सबक सिखाना है तो आप सिखाइएगा। आपने अपने पसंद का बिजनेस कराने के लिए मुझ पे करोड़ों रुपए बहाए और वही करोड़ों रुपए आज मुझे कितने अच्छे पोजीशन पर लेकर गया है। सर डोंट वरी, आप सो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बचाने के लिए नहीं आया हूँ। फर्स्ट टाइम सुसाइड करने वाले को देखने का मौका मिला है तो प्लीज सर सो जाइए, इसी तरह सोए रहिए, मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपको, फिर क्या टेंशन ले रहे हो, सो जाइए सो जाइए। सर बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, सो प्लीज आप सो जाइए सर प्लीज। अच्छा मरने से पहले आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं है सर, आपके घर का फोन नंबर दोगे तो लड़कों पर करोड़ों के सपने देखने वाले और जब वही बेटा सुसाइड करके मर जाता है तो उन पैदा करने वालों को जो तकलीफ होती है वो मैं लाइव देख पाऊंगा। आप सोइए सर, बस फोन नंबर दे दीजिए प्लीज। गुड लक सर, हैप्पी जर्नी। तो लड़कों पर करोड़ों के सपने देखने वाले और जब वही बेटा सुसाइड करके मर जाता है तो उन पैदा करने वालों को जो तकलीफ होती है वो मैं लाइव देख पाऊंगा। भी बोलिए सर, जीने की इच्छा होते हुए भी आप मरना क्यों चाहते थे? मेरे डैडी करोड़पति हैं सर, वो जो बिजनेस करते हैं वही बिजनेस मैं भी करूं, ऐसी उनकी इच्छा है। मैं एक डांसर हूं सर, डांस क्लास खोलना मेरी इच्छा है सर, और उसे खोलने के लिए 10 लाख रुपए काफी हैं सर। लेकिन मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं कोई डांस क्लास खोलूं, वो मुझ पे करोड़ों रुपए फालतू के खर्च कर रहे हैं जो कि सब लॉस हो गया। अब मैं उन्हें अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, इसलिए मैं यहां मरने आ गया। और एक बार आपको भी सोचना चाहिए था, उन्हें भी सोचना चाहिए था, जो हुआ सो हुआ। आपको डांस आता है ना? एक मिनट सर, इसे पकड़िए। आपको 10 लाख रुपए मैं दूंगा सर। उन 10 लाख में आपका जो डांस क्लास का सपना है ना वो डैडी के नाम से ओपन करना, अभी मेरे साथ चलो। कहाँ सर? मर गए होते तो चले गए होते ना, तो अब चुपचाप मेरे साथ चलो ना। वहां से वो मुझे अपने साथ ले गया और एक दिन बाद मुझे वो 10 लाख रुपए दिया। वो पैसे कहाँ से लाया था अब मुझे समझ में आ रहा है पापा। एक मिनट नीचे उतरिए आप पापा। ये देखिए पापा, समर्थ के दिए हुए 10 लाख से आपके नाम से मैंने ये डांस स्कूल खोला है। मेरी पसंद के बिजनेस से ज्यादा जो मेरे बेटे को पसंद है वो बिजनेस, उस बिजनेस को कराने के लिए उसने मुझे ना बता करके तुम्हारी जान को बचाते हुए उसने मेरा नाम लिख दिया। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। पहले इसका नाम चेंज करो, समर्थ डांस स्टूडियो रखो। ठीक है पापा, आइए। टोटल 20 लाख, उसमें से 10 लाख आपने उसके बेटे को दिए डांस क्लास बनाने के लिए, और 10 लाख का आपने क्या किया? बताता हूँ। समझ सर ने जो कुछ भी किया सही लग रहा है मुझे तो। अच्छा हुआ फोन स्विच ऑफ हो गया। सर 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 सर, इतना कुछ आपने क्यों किया सर? इतने पैसों की आपको क्या जरूरत थी? उस दिन मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था, जब हॉस्पिटल लेकर आया तो मंजू दीदी, वही मंजू दीदी एक दिन इसी हॉस्पिटल में मुझे बोली थी, हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा भी कोई अच्छा करेगा, ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैं डॉक्टर से मिला। अच्छा देखो, ये औरतों के भीतर गर्भाशय में होने वाली बीमारी है, इसे इंडोमेट्रिस कहते हैं। ये बीमारी महीने महीने पीरियड के समय पर ओवर ब्लीडिंग से होती है, उसके अलावा पेट में बहुत दर्द भी होता है।
सर इन सब पे कितने पैसे खर्च हो सकते हैं? डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ 10 लाख का खर्च हो सकता है। ओके सर, मैं किसी भी तरह पैसे लेके आ जाऊंगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। ऐसा कहकर मैं आ गया। उसके बाद तो आपको सब कुछ पता ही है। अरे हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इन्हें कैसे पता चला? इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम ऑटो में जब आ रहे थे तब जो भी बात हुई मैंने सब सुन ली। स्विच ऑफ होने की बात भी कैसे सुन लिया इन्होंने? ए, यहाँ आओ। सर तेरा फोन तब से चालू ही है। ए पागल, तेरे बाहर आने से पहले तेरे फोन से मेरे पीसी के फोन पे फोन करके तुझे फोन दे दिया और तुझे पता भी नहीं चला। पुलिस वाले का चाहे कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, पुलिस वाला अनुशासन में रहता है तभी पुलिस शब्द को अर्थ मिलता है, इसलिए यह सब किया। हम किसी का भला करेंगे तो वो भी हमारा भला करेंगे, सभी की तरह ये बात मैं भी मानता हूँ। मंजू दीदी ने तुम्हारी माँ की हेल्प की थी, मंजू दीदी की तुमने हेल्प की, इसीलिए तुम्हारे सारे केस क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स गौतम। ये क्या, सबका अच्छा हुआ लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हेलो डायरेक्टर जी, आपको मेरी डेट्स चाहिए ना? मैं दे देती हूँ, लेकिन मेरी दो कंडीशंस है। ऐसा क्या, तो बताइए मैडम। आपकी फिल्म में अगर मैं हीरोइन बनूंगी तो समर सर को हीरो बनाना होगा और उसमें इंस्पेक्टर का कैरेक्टर भी होना चाहिए जो गौतम सर ही करेंगे। ये क्या, अगर पसंदीदा आर्टिस्ट मिल रहा हो तो डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा रेडी है। दूसरा क्या है? बताती हूँ, हम सबकी फिल्म का नाम भी समर्थ ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात, अब तक आपने हमारी लाइफ में जो कुछ भी देखा उसी पर फिल्म बननी चाहिए। टाइटल, फिल्म, स्टोरी, डायरेक्शन सब आप ही कर रही हो तो मैं क्या करूँगा? तो मैं स्पॉट बॉय का काम करूँ क्या? ओके मैडम। अरे बाप रे, ये क्या, ओके बोल दिया? अब जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मुझे इससे पिटना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से तो काम खत्म हो गया ना, मंजू दीदी आज ही डिस्चार्ज होगी, लेकर चलते हैं। आप अपना फोन ले लीजिए डायरेक्टर। भूल ही गया था, दीजिए सर। मंजू दीदी, मंजू दीदी कहाँ गई होगी? मंजू दीदी, ये मंजू दीदी कहाँ चली गई? चलो देखते हैं। डॉक्टर, आपने मंजू दीदी को देखा? मंजू दीदी कहाँ है? नहीं पता है, यहाँ पर भी नहीं है। शिट। बोर्ड पर लिखा है अंदर जाना मना है, दिखाई नहीं देता? सर बिना परमिशन के इसके अंदर नहीं जा सकते हैं सर। अबे मुझे पता है। ये क्या है, ऐसे समय पर गलत सोच रहा हूँ? अगर किसी को पता चला तो पक्का मारेंगे। डोंट वरी मंजू दीदी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो अब चले? ठीक है, आराम से। हाँ क्लैप इन, कैमरा क्लैप आउट, एक्शन, ट्रॉले, डायलॉग। हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी कोई भला करेगा, ये विश्वास आपको हो तो ही आप कदम बढ़ाना।